हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ और आप लोग मेरे व्लॉग्स को इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ खाना पीना क्योंकि है आज 11 मतलब तुलसी विवाह का दिन है तो आज काफ़ी पूजा पाठ होती है घर में तो मॉर्निंग का खाना पीना रेडी करना था तो यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ ऊपर का काम निपटा लिया है तो पहले मुझे छत भी धोना था लेकिन मैंने सोचा खाना पीना पहले बना लेते हैं क्योंकि छत में काफ़ी टाइम लग जाता है तो सबसे पहले मैंने आटा लगा के आलू को तो पहले बॉईल कर लिया था तो ये फटाफट से पराठे सेके बच्चों के लिए और सबके ब्रेकफास्ट के लिए हमने सैंडविच बनाया साथ ही साथ मैंने बनाई मेरे लिए ये गर्मा गर्म मसाला वाली टी क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत इसको पीऊँगी तो अच्छा लगेगा खासी थोड़ी सी कम हो जाएगी और साथ ही साथ मैंने दाल चढ़ा दी थी तो एक साइड पे मैंने दाल फ्राई करी और दूसरे साइड पे मैंने सोचा चावल रख देती हूँ और फिर करूँगी बाकी के काम तो चावल की सीटी आती रहेगी और ये तो फट से बन जाएगा कोई टेंशन नहीं है तो ये सब रख के मैं पहुँच जाती हूँ सीधा छत पे जहाँ पे मुझे करनी थी सफाई तो ये आके मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाने स्टार्ट किया रूम वगैरह मैंने पहले ही साफ कर लिया था क्योंकि सुबह जाने से पहले मैं काफी बच्चों को उठा के मैंने सोचा क्लीन कर लेती हूँ साम निपटाऊंगी और मार्केट भी जाना था तो यहाँ तो मैंने छत तो धो दिया है और साथ ही साथ मैंने पौधों को दिया पानी तो इसको क्लीन करने के बाद मैं हो जाऊंगी रेडी क्योंकि अभी मुझे नीचे भी क्लीन करना है और लीपने का भी बच गया है अभी लीपना भी है तो मैंने चेंज कर लिया क्योंकि मुझे मार्केट जाना था और लगे हाथ मैंने सोचा काम भी कर लूँगी और मार्केट भी चल जाऊँगी नीचे के नीचे मम्मी जब तक रेडी हो रही थी तो यहाँ पर मैंने लगाया पोछा जो मैंने ये पेंट किया था ना तो इस पर क्या हो रहा है कोई भी चल रहा है तो थो थोड़ा सा डस्ट बैठ जाता है तो वो पेंट के कारण वो अच्छा हो गया कि वहाँ पर सिर्फ पोछा लगाना पड़ता है और बाकी जगह पर हम ने लीप लिया लीपने के बाद तो सच में बहुत ही सुंदर दिखता है और इसमें रंगोली बहुत ही प्यारी लगती है वैसे आज मैं लिपे वाले में रंगोली नहीं बनाने वाली हूं तो ये मैंने ऊपर वाली रंगोली कर ली थी फिनिश तो ये देखो कुछ ऐसी लग रही है जो काफी सुंदर दिख रही थी तो साथ ही साथ मैंने सोचा जब तक मम्मी को थोड़ा सा टाइम था रेडी होने में तो मैं यहाँ पे भी क्लीन करके छोड़ के चली जाती हूँ लौट के हम इसको पूरा सजा लेंगे यहाँ पे ही क्योंकि हमें पूजा करनी है तुलसी विवाह की पर लौटते लौटते हमें काफ़ी टाइम हो गया पूजा का काफ़ी सामान वग़ैरह लेना था तो काफ़ी अंधेरा हो गया था तो लौट के हमने बनाई रंगोली और बच्चों ने भी अपनी अपनी रंगोली बनाई जो काफ़ी उन लोगों को आ, मतलब ऐसा कि अच्छी लग रही थी मुझे भी अच्छा लगा बच्चों ने रंगोली बनाई तो और इन दोनों ने यहाँ पे रंगोली कंप्लीट की और मैंने बाहर पहले तो मैं आ, वो जो जहाँ पे लीपते हैं ना वहाँ पे बनाती थी, थी लेकिन इस बार मैंने जो रेड होता था ना वहाँ पे ही बना लिया क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लग रहा था वो पेंट में तो यहाँ पे आके फिर मैंने करी पूजा की तैयारी जब तक मम्मी पूजा का प्रसाद वगैरह बना रही थी तो मैंने सोचा यहाँ पे तैयारी करके फुर्सत कर लेते हैं फिर आराम से बैठ के हम अपनी पूजा पाठ निपटाएंगे तो यहाँ पे मैंने बनाई रंगोली आज तो मैंने तीन चार जगह पे रंगोली बनाई वैसे बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी ही सही पर बन गई और काफ़ी सुंदर भी लगता है सिर्फ ये छूट गया था मेरा ऊपर वाला हिस्सा क्योंकि यहाँ की रंगोली मैंने हटा दी थी बच्चों ने फैला दी थी तो तो मैंने सोचा चलो अभी ये क्यों खाली रह जाए इसको भी बना ही लेते हैं पूजा के पहले तो फटाफट से मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया छोटे छोटे से ऐसे गोल गोल रिंग बना के और उसमें कलर बना दिया है और साथ ही साथ पूजा की पूरी तैयारी हो गई थी तो मम्मी बैठ गई पूजा के लिए और बच्चे और पापा को भी बुला लिया हमने पूजा पाठ करने के लिए फटाफट से दिए लगाए और दिए के साथ साथ हमने दीपदान भी किया घर पर ही तो ऐसे ही हमने इसको रख के और इसमें दीपदान कर लिया क्योंकि ये आज के दिन करते हैं और हमने करी अपनी तुलसी विवाह की पूजा और यहाँ से पैर वैर पढ़े हमने और बच्चों का क्या था उन्हें तो प्रसाद भी नहीं लिया और भाग गए पटाखे वगैरह जलाने के लिए क्योंकि आज लास्ट डे है पटाखों का बाकी तो हमारे यहाँ तो दिन जब दिवाली से पटाखे ही पटाखे फूट रहे हैं तो ये रही मेरी रंगोली और साथ ही साथ हम पहुँच गए छत पे तो यहाँ देखा तो दोनों के दोनों इतने बड़े हो गए हैं अब कि उनको बस पटाखे ही फोड़ना रहता है और बड़े बड़े एक ने तो सुतली मम्मी लेके भाग गया था लेकिन के जैसे तैसे हमने उसको रोका कि नहीं भाई तुमसे ना हो पाएगा तो यहाँ पे ये चक्री जला रहा है और पापा भी खड़े हैं वैसे सामने से इन लोग कर रहे थे तो तो हमने करी इस तरह से अपनी तुलसीवाह की पूजा और लास्ट में हमने ये सब जलाए पटाखे वगैरह और किया एंजॉय वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और करें चैनल को सब्सक्राइब आपसे मिलेंगे हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय